राजधानी में जल संकट का सियासी संग्राम अनशन तक जा पहुंचा। हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर भोगल के जगपुरा स्थित सैनी चौपाल में शुक्रवार से दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। उनके अनशन का आज दूसरा दिन है। इस दौरान उनके साथ सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज समेत कई पार्टी के नेता मौजूद हैं। दरअसल जल मंत्री आतिशी का कहना है कि एक MGD पानी से 28,000 लोगों को लाभ मिलता है। इस लिहाज से जब हरियाणा सरकार दिल्ली को 100 MGD पानी नहीं देती है तो दिल्ली के 28 लाख से ज़्यादा लोगों का पानी रुक जाता है। यही वजह है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। महिलाएं घंटे लाइन में धूप में पानी के लिए खड़ी होती हैं, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार से कहा कि यदि उनके पास अतिरिक्त पानी है तो वो दिल्ली को दे दें। पानी संकट का समाधान निकालने के लिए हमने हरियाणा के CM को पत्र लिखा, उनसे कहा कि हमारा पानी दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश सरकार से कहा कि आप एक्स्ट्रा पानी दे दीजिए। हिमाचल की सरकार पानी देने के लिए तैयार भी नहीं हुई, लेकिन हिमाचल का पानी भी हरियाणा के थ्रू ही आता है। हरियाणा ने उसके लिए भी मना कर दिया। जल मंत्री आतिशी का दावा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद हरियाणा ने दिल्ली के हक का पानी नहीं छोड़ा। अब मुझसे दिल्ली वालों का दुख नहीं देखा जाता, इसलिए मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हूँ। जब तक दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिल जाता तब तक ये पानी सत्याग्रह जारी रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि भीषण गर्मी में हरियाणा की BJP सरकार दिल्ली के हक का पानी रोककर दिल्ली वालों को तड़पा रही है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी का पानी सत्याग्रह दिल्ली के लोगों को हरियाणा की BJP सरकार से उनके हक का पानी दिलाने के लिए है। जब तक एक एक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल जाता तब तक यह अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। बता दें कि आतिशी ने बुधवार 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर दिल्ली वालों को 21 जून तक पानी नहीं मिला तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चली जाएंगी।